आदमी को अपना पति नहीं समझते हैं। इतनी देर से क्यों आए हो? अरे झगड़ा हो गया था ना बाहर। क्यों? वो नहीं है अपना गफूर, वो अपने बाप से कहने लगा, डैडी मैं ना कुलसुम से शादी करूंगा। उसका बाप कह रहा, नहीं नहीं वो तुम्हारी बहन है। कैसे बोला, समझा करो बहन है। उसने कहा चलो फिर नायला से करा दो। कहता समझा करो, वो भी तेरी बहन है। कह रहा अच्छा फिर उससे परवीन से करा दो। कह रहा नहीं नहीं वो भी तुम्हारी बहन है। बोलो वो कहाँ से बहन है? बोलो तुझे मेरा नहीं पता, बस तेरी बहन है। बाप चला गया, वो गफूर रोने लगा। उसकी माँ आ गई, माँ ने कहा क्यों रो रहा है? कहे मम्मी मैंने कहा उससे शादी करा दो। अब्बा बोला तुम्हारी बहन है। मैंने कहा नायला से करा दो। कहते तुम्हारी बहन है? मैंने कहा परवीन से करा दो, तुम्हारी बहन है। उसकी माँ कह रही जहाँ तेरा दिल करता शादी कर ले। कहने लगी वो अब्बा? बोले वो तेरा अब्बा ही नहीं है। उसके बाद डॉक्टर के पास चला गया मैं। फिर क्या हुआ? तबीयत सही नहीं ना। क्या हो गया तबीयत? सुबह खाता हूँ ना, दोपहर को फिर भूख लग जाती है। मैं कहा डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं। करना क्या बीमारी है? मैं कहा डॉक्टर मैं हूँ, तू पता कर क्या बीमारी है। ठीक कहा ना उन्होंने? उसने कहा बताओ। मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, तुम पता करो। मैंने फिर बताया उसको। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं नहाता हूँ, मेरा जिस्म गीला हो जाता है। वो कह रहा है नल का बंद करके नहाया कर। ये बात भी ठीक है? अबे कहा है कि ठीक है। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को और एक बीमारी है। बोले क्या? मैंने कहा मेरी औलाद नहीं होती है। कह रहा अच्छा। मैंने कहा मेरी बीवी भी नहीं है। कह रहा तुम पागल तो नहीं हो? उसने भी यही कहा तुम पागल तो नहीं। मैंने कहा इलाज करता बीवी दे, दवाई देता बीवी दे, उसके बाद मैं यहाँ आ गया। अच्छा हाँ, बड़ा समझदार आदमी हूँ, साइंसदान आदमी हूँ। मैं ऐसा गोबर सूंघ के बता देते हैं कि उसकी उम्र कितनी है। अबे तू इसकी बात कर रही, मैं तो बाहर से दीवार सूंघ के बता दूं अंदर कितनी औरतें हैं। मैं सूंघने में इतना माहिर हूँ, मुझे तो कस्टम वालों ने रख लिया था कि आप सूंघा करो। मैंने स्टाफ को ही सूंघ लिया। मैंने कहा इसको निकालो, ये तो हमें फंसवाएगा। निकालो भाई उसको, निकालो। क्या बदतमीजी है ये? अब मैं सोच रहा हूँ। हाँ तुम सोचते भी हो, दिमाग है तुम्हारे पास? बस है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मतलब है कि खाली दिमाग लेके घूम रहा हूँ? नहीं लगता नहीं है कि दिमाग है, लेकिन अब फिर भी तो दिमाग है। मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ दुनिया में औरतें नहीं होती तो क्या मौत आ जाती। सोचो अगर औरतें ना होती तो मर्द क्या करते? आपस में मशवरा करते। अब क्या करें यार, वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? कि मैं इलेक्शन में खड़ी हो जाऊँ। वोट लेने के लिए लालच देना पड़ता है। कोई बात नहीं, दे लोगे लालच? दे दूंगी। चलो एक तंबू से तुम खड़ी हो, तंबू समझती हो? हाँ हाँ। जिसमें बंबू लगा होता, तंबू में बंबू। एक तंबू से तुम खड़ी हो जाओ, एक तरफ से मैं खड़ा रहता हूँ। जो अच्छा लालच देगा जीत जाएगा। ठीक है चलो शुरू करो। क्या? इलेक्शन तकरीर शुरू करो। सही है। अच्छा अगर मैं जीत गई? जीत गई नहीं, अगर मैं आ गई। बोलो पहले। अगर मैं जीत गई? अगर मैं आ गई। अगर मैं जीत गई? नहीं नहीं पहले आ गई बोलो। अगर मैं आ गई? हाँ तो मैं अंदर से कुंडी लगा लूंगा। ग्राउंड में आ रही हो? मैं समझा मेरे कमरे में आ रही हो, माफी चाहता हूँ। चलो बताओ अगर तुम आ गई। अगर मैं इलेक्शंस में आ गई हाँ, तो मैं दो स्कूल बनवाऊंगी। दो स्कूल? एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। अबे चल बे हजरात, अगर मैं आ गया एक ही स्कूल बनवाऊंगा, लड़के लड़की उसी में पढ़े। जब तक दिल करे पढ़े, उसके बाद हाँ। अच्छा अगर मैं इलेक्शन में आ गई तो मैं दो गार्डन बनवाऊंगी जिसमें रंग बिरंगी बत्तियां लगी होंगी, एक लड़कों के लिए हाँ। और एक लड़कियों के लिए। ये क्या बात हुई? हजरात अगर मैं आ गया एक ही पार्क बनवाऊंगा, लड़के लड़की उसी में घुस के और उसमें उसमें रंग बिरंगी बत्तियां नहीं होंगी, मोमबत्तियां होंगी। जब तक दिल क्या घूमो, शाम हुई बुझाओ। हाँ अगर मैं इलेक्शन में आ गई तो दो मिटेंड्री होम बनवाऊंगी। अच्छा एक लड़कियों के लिए हाँ। और एक लड़कों के लिए हाँ। किस काम में मर्दों को डाल रही है तू? मैटरनिटी होम मर्दों के लिए? अल्लाह ना करे ये सिस्टम हो गया, कैसा होगा अजीब। अबे सुरेंदर नजर नहीं आ रहा है, वो अल्ट्रासाउंड कराने गया हुआ है। गफूर साहब ने नजर नहीं आ रहे, उसके यहाँ जुड़वा हुआ है ना। बसों में मर्द खड़े होंगे, आगे हो जा मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, फुटपाथों पे लेटे होंगे, एम्बुलेंस एम्बुलेंस।
अजीब सा माहौल हो जाएगा, सारे सेहतमंद मर्द घूम रहे होंगे, कैसा अजीब हो जाएगा ये। देखो जो काम मर्दों का उसको करने दो, औरतों का जो काम है ऊपर वाले ने सिस्टम रखा सही रखा है। तुमसे बात करने फजूल है, बदतमीज हो तुम। अबे कहाँ जा यार, एक बात बताओ, ये बुरा मान जाती है लड़कियां।